अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, आज की वीडियो है मेरी जो न्यू ड्रेसेस रेडीमेड थे उसकी वीडियो बना के मैं आपको बता रही हूँ, ठीक हो गया। तो ये नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री करके मैं आपको ये सारे लॉन्ग फ्रॉक की वीडियो दिखाती हूँ। और ये है किस ब्रांड का है ये तो मैं लास्ट में बताऊँगी जब आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे। तो फिर है तो ये समर के फैब्रिक सारे, और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल यानी कि था ये फ्रॉक। और इसके नेक पे बिल्कुल सिंपल सा इसका नेक बना हुआ है। इसकी नेक की डिटेलिंग देख लें, बिल्कुल ओवरलॉक सारा किया हुआ है इसके अंदर, बहुत अच्छी बात है ये इस तरह से। और यहाँ पे स्लीव की सिर्फ इसकी जो डिटेल है सिंपल से, इसकी स्लीव की पट्टी मुड़ी हुई है और इसके ऊपर एक धागा है ना मैरून कलर का, उससे इसकी हल्की सी एम्ब्रॉयडरी की हुई है। एम्ब्रॉयडरी भी नहीं, बस उसको जो इस तरह से सुई धागे से कर लेते ना, बस वो वाला टांका इसका लूज किया हुआ है। इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा थी, इसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा थी, और इसकी स्लीव और साइज़ इसका 16 नंबर था, ठीक है। और बहुत ही यानी कि पहनने वाला समर के लिहाज से तो बहुत अच्छा है इस तरह का, ठीक है। ये नंबर वन हो गई कुर्ती। इसकी क्या प्राइस है ये सब कुछ मैं फिर लास्ट में बताऊंगी, ठीक हो गया। अब ये जो है ना मैरून कलर की फुल मैक्सी कैदे से, या इसे बेगी शर्ट कहते हैं या बेगी लॉन्ग मैक्सी कह लें आप जो, तो वो इस स्टाइल में। और इसका फैब्रिक इतना कोई खूबसूरत है, इसके इतने प्यारे से नेट भी नहीं है ये, बहुत पता नहीं से क्या कहते हैं, जिन्हें पता है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें से क्या कहते हैं, ठीक है। इसके साथ इनर भी है और इसकी भी फुल लेंथ है, मैक्सी जितनी है उतनी इसकी इनर है, ठीक है। यहाँ पे स्टिच की हुई है, आयरन का मत कुछ बोलिएगा क्योंकि मुझे आयरन करने से बड़ी ही मुश्किल होती है, और मैंने काफ़ी कपड़े अपने ना जला भी दिए आयरन के लिए, तो आयरन का काम मेरी मम्मा का होता था, तो इसलिए मुझे आयरन करने में ना बहुत डर लगता है, और आयरन करने में ना मुझे 10 बार सोचना पड़ता है कि ये मुझसे जल तो नहीं जाएगा, ठीक है। चलें जी, इसकी डिटेल ये है कि इसकी स्लीव है इस तरह से, इसकी यहाँ पर बटन भी लगाया हुआ है, और ये बहुत अच्छी लग रही थी, कंफर्टेबल, अभी तक मैंने इसे वेयर नहीं किया, और ये बहुत ज़्यादा लूज है, मेरे जैसी तीन आ जाए इसके अंदर। और इसकी छोटी सी स्लीव है, इसकी कटिंग भी ज़रूर मैं बताऊंगी किसी दिन। और ये फुल लेंथ है इसकी, इसके अंदर भी ओवरलॉक किया हुआ है, और इसका फैब्रिक तो बहुत ही खूबसूरत है, इस तरह से ना जाली टाइप, पर ये नेट नहीं है, ये सॉफ्ट सा फैब्रिक है कुछ इस तरह। अभी जो है वो थर्ड ये वाला, ठीक है, इसका फ्लावर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और खिलावा खिलावा से ना उसमें मैरून फ्लावर रोज़ के आ रहे हैं, वो बहुत अच्छे। और ये है जो ओपन साइड फ्रॉक है, ये ओपन जो होता है आगे से, फ्रंट साइड ओपन है, ठीक है इसका। और इसके गले की डिटेलिंग देखें खाली, इतनी कोई खूबसूरत इसकी डिटेलिंग, इतनी कोई फिनिशिंग इसके अंदर, और इसके ये हुक लुक्स लगे हुए हैं, और ये बटन बहुत ज़बरदस्त, यानी कि इसकी स्टिचिंग इज़ गुड, ज़बरदस्त। और स्लीव भी बिल्कुल सिंपल सी है इसकी, और कपड़ा बहुत अच्छा है इसका, सॉफ्ट सा लॉन है, और जिस तरह से मलाई लॉन वगैरह होता है वैसे। इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा था इसका जो ओपन साइड था नीचे से, और इस तरह से हल्की सी इसकी पाइपिंग दी हुई है, और ये इस तरह से ना इसकी चुनटे आ रही है, और साइज़ वही 16 नंबर, ठीक हो गया। तो लूज़ पहनने में कंफर्टेबल भी रहता है। और ये यहाँ पर इसका नेक चेक करें, ये फर्स्ट वाली है, और इसकी भी कटिंग मैं ज़रूर सिखाऊंगी दूसरे किसी ड्रेस पे, या बच्चियों के ड्रेस पे ज़रूर बताऊंगी। इसकी लेंथ बहुत बहुत ज़्यादा थी, और ये इस तरह से लग रहा है देखें। अच्छा, तो यहाँ पर जो थर्ड वाली है ना, उसकी भी स्लीव जो फर्स्ट वाली थी, इसकी स्लीव इस तरह से देखें, और यहाँ पर इसके जो साइड पैनल हैं, जो इसमें जेनेटिक लगी हुई है, और जो इस तरह से बिल्कुल सिंपल है, इसमें इतना कलर वो किया हुआ है आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं इसकी कटिंग ज़रूर बताऊंगी कि इस किस तरह से कटिंग किया हुआ है ड्रेस। और यहाँ पर साइड पे इसकी चुनटी दी हुई है, और वहाँ पर राइट साइड और लेफ्ट साइड की जो इसकी पैनल कटिंग करके, और इसकी चुनटी दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट वीडियो कल अपलोड की है, उस पर इस तरह की मैंने कटिंग करके बताई है, लेकिन उसमें इस तरह की चुनट वाली गहर नहीं दी थी, ठीक है। यहाँ पर ये फुल लेंथ है, और इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, देखिए बहुत ज़्यादा, और इसका नेक भी इस तरह से, और ये बहुत अच्छा लग रहा था कलर समर के लिहाज से ना, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, तो यहाँ पर ये बेगी
मैक्सी आ गई है जो फुल ऐसे क्या कहते हैं लूज मैक्सी कहते हैं, स्लीव इसकी ये रही, बहुत अच्छी लग रही थी। और ये तो बहुत ही सिंपल सी, नो डिज़ाइन कुछ भी नहीं। अगर आप चाहे तो इस पर कुछ डिज़ाइन कर भी सकते हैं, या आप बेल्ट लगा के थोड़ा सा इसको टाइट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये इस तरह से भी अच्छी लग रही है, अबाया टाइप लग रही है मुझे तो ये फुल, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, यहाँ पर इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है और इसकी विड्थ भी अच्छी खासी है, और इसका कपड़ा तो फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आयरन की थी इस पर, लेकिन फिर भी आयरन ना हुई इसके ऊपर, अभी अच्छी खासी आयरन करनी है बाद में। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर स्लीव भी हो गई इसकी, फुल हो गई। ठीक है, अभी जो ये थर्ड वाला था ना, ये वाला, ये तो बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसके फ्लावर इतने अच्छे लग रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ऊपर वाला है ना वही फर्स्ट वाली फ्रॉक का कपड़ा है, और नीचे जो दी हुई है ना ये स्लीव और ये नीचे घेर वाले कपड़ा एक जैसा लग रहा है। क्या कहते हैं आप लोग। अच्छा, यहाँ पर इस तरह से इसकी फुल लेंथ और इसकी स्लीव भी फुल, और ये इसका नेक और ये इसके बटन्स। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए इन तीनों में से कौन सा फ्रॉक ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, ये अच्छा जो ब्रांड का नाम है ना वो जनरेशन है, तो यहाँ पर लग गई थी सेल, और किस्मत जब आपका साथ देती है तो सेल पे आपको अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। तो इसकी जो प्राइस थी मैं यहाँ से 2200 या 2300, और इस तरह से मैं आपको बाद में बता दूँगी कि इसकी कितनी प्राइस थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी